तमाम तारीफें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। क्या आपके मैदे में गर्मी है? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है? क्या रात को सोते हुए आपके जैसे मुंह से पानी आता है, राल टपकती है या सीने में जलन होती है? रेमेडी बहुत बेहतरीन होने के साथ साथ सस्ती भी है। आपको बताती चलूं, इसके लिए आपको चाहिए तकरीबन सवा गिलास पानी। सवा गिलास पानी लें, उसे चूल्हे पर चढ़ा दें और उसमें आपने 3 छोटी इलायची मिलानी है। 3 छोटी इलायची मिलाकर उसे आपने तकरीबन 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है ताकि इलायची का जितना भी असर है वो पानी में आ जाए। जब ये पानी अच्छी तरह पक जाए और पानी 1.25 गिलास से 1 गिलास या 1.5 गिलास रह जाए तो चूल्हे से उतार लें और इसे छान लें। इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच इस्बगोल की भूसी मिलाएं और इसके साथ इसमें आप 1 चुटकी, ठीक है, 1 चुटकी आप रेवंड खताई, जड़ी बूटी होती है ये, आपको पनसाड़ से आसानी से मिल जाएगी। रेवंड खताई जड़ी बूटी की 1 चुटकी इसमें मिलाएं, इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख दें। जब इस्बगोल की जो भूसी है, इस्बगोल का जो छिलका है वो थोड़ा फूल जाए तो इसको रात को सोने से पहले आपने ये जो सारा प्रोसेस करना है और इसको रात को सोने से पहले पीना है। इंशाल्लाह आपका पेट भी साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, सीने की जलन ठीक हो जाएगी और जो आपके रात को मुंह से पानी आता है वो परेशानी वो भी ठीक हो जाएगी। सस्ता सा छोटा सा नुस्खा है, ज़रूर आजमाइए। आपको बताती चलूँ, इससे एच पाइलोरी का मसला भी ठीक होता है, तो इसको ज़रूर आजमाएं। ये नहीं कि एक दिन में फ़र्क मिल जाएगा, चंद दिन इस्तेमाल करना होगा, आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।